योहन्ना उसका 6:10। हाँ, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। प्रभु ने बोला एक काम करो, वो 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास में लेकर आओ। और उसके बाद में चेलों को आज्ञा देता है एक काम करो, जितनी भीड़ है सबको बैठा दो। मेरे प्रियो, आश्चर्यकर्म होने से पहले हम सभी को बैठना होता है। ये बैठने का मतलब क्या है? यीशु ने कहा सबको बैठा दो, और 12 चेले जो थे वो सबको बैठा दिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, 3 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु आप चेलों के साथ में जाकर के बैठ गया। यहां पर बैठने का मतलब यह है मेरे प्रियो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शांति से बैठ जाओ। मत डरो, मत घबराओ, हाय हाय मत करो, कुड़कुड़ाओ मत, घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांत हो जाओ, इसका मतलब होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर में शांति नहीं है तो प्रभु चाहकर भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। याद रखना, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में काम करे तो आपके अंदर शांति का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के फल में, पवित्र आत्मा का जो फल है उसके 9 प्रकार है, और उसमें लिखा हुआ है विश्वास, शांति। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, संकट है, आप विपत्तियों में हैं, विरोध में हो, सताव में हो, आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप हाय हाय कर रहे हो, मैं क्या करूं, आपको मैं बता दूं प्रभु आपके जीवन में उस समय तक कोई काम नहीं कर पाएगा। आप छुटकारा नहीं पाओगे और ज्यादा समस्या में फंस जाओगे। अगर आप चाहते हो कि खुदावंत परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, कब? जब आप समस्या में हो, संकट में हो, विपत्तियों में हो, विरोध में हो, सताव में, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप आर्थिक घटी कमी है, कर्ज है, गरीबी है, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हो तो यह जरूरी है मेरे प्रियो कि आप शांत हो जाओ, आपके अंदर में शांति आए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो विश्वास का परिणाम होता है शांति। अगर कोई व्यक्ति आंधी में है, तूफान में है, संकट में है, विपत्ति में है, उसके बाद भी अगर उसके अंदर में शांति है तो यह बताता है कि उसका विश्वास प्रभु पर अटूट है, वो विश्वास में दिगा हुआ, वो दृढ़ है विश्वास में, और उसी विश्वास का परिणाम होता है शांति, शांति। और इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ में होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, संभव है। सब कुछ संभव मतलब जो असंभव चीज भी है ना, उसके लिए संभव हो जाएगी। कैसे? उसके विश्वास के कारण से। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपके लिए असंभव है और आप उससे नहीं निपट सकते, आप उसको नहीं कर सकते, वो आपके लिए पहाड़ जैसा है, आपके लिए असंभव है आपके लिए, तो मत करो, केवल एक ही काम करो, खुदा पर विश्वास करो। और ऐसा विश्वास करो कि वो विश्वास अगर आपके अंदर में है तो याद रखना उसका परिणाम होगा आप मुसीबतों में भी शांति में, आंधी तूफान में भी आप शांति में है, आप शांति से बैठे हुए हैं, आपके दिल में शांति है, आप शांति से बैठे, इसका मतलब है आप विश्वास में हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब आंधी तूफान समस्या संकट और विपत्तियों में जब उसके हृदय में डर है, घबराहट है, हाय हाय कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, चिंता में है, टेंशन में है, तो मैं आपको बता दूं वो विश्वास में नहीं है मेरे प्रियो, परंतु वो अविश्वासी हो गया है, उसके अंदर में प्रभु के प्रति संदेह और शंका आ गया है, इसलिए वो डर रहा है, इसलिए घबरा रहा है, इसलिए वो पैनिक हो रहा है, विश्वास नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में प्रभु आपके जीवन में कभी भी आश्चर्यकर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, चिंता मत करो, बाइबल का चिंता मत करो। लेकिन मेरी बात को यहां से ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, कभी भी अपने आप से आपके अंदर में शांति नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके अंदर में अपने आप से शांति नहीं आएगी, आप अपने आप से रिलैक्स नहीं हो पाओगे, आप अपने आप से शांति में नहीं बैठ पाओगे संकट, विपत्ति, आंधी और तूफान में। यह प्रैक्टिकल बात है और बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन वो शांति आएगी कैसे? समस्या में, विपत्तियों में, संकट में वो विश्वास आएगा कैसे?
कैसे हम उसमें भी एकदम शांति में रहेंगे, ये होगा कैसे? सुनो, जब हम बहुत दुखी रहते हैं, हम बहुत बोझ में रहते हैं, तो जानते हो जब हम कोई सहेली को या मित्र को या किसी को भी जब हम अपना दुख दिल खोल करके बता देते हैं, अपनी समस्या दिल खोल करके बता देते हैं, तो बताने के बाद में हमको कैसा महसूस होता है? एकदम हल्का लगता है, एकदम ऐसा लगता है चलो यार, मतलब कहीं मैंने अपना बोझ बांटा तो एकदम हल्का महसूस हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो सुनो, उसी प्रकार से मेरे प्रिय आपको बता दूं, लेकिन वो जो शांति होती है ना, वो शांति होती है ना, वो अस्थाई होती है, स्थाई नहीं होती, क्योंकि समस्या का तो निवारण ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय के लिए उसने अपनी समस्या किसी को बताई, थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये थोड़े समय का है। क्यों थोड़े समय का? क्योंकि समस्या तो अभी भी बनी हुई है, बनी हुई है। तो कैसे शांति आएगी? वो भी स्थाई शांति। मेरे प्रियो, जब आप अपने अपने रूम में जाते हो, किवाड़ बंद करते हो, और अकेले में जब आप बैठ जाते हो प्रार्थना में खुदा के साथ, किसके साथ? वो शांति के राजकुमार के साथ में, वो शांति के राजकुमार जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसको शांति का राजकुमार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यीशु शांति देता है, यीशु शांति देता है। यूहन्ना 14 अध्याय और 27 वचन में लिखा हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, उसके पहले यीशु ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो संसार देता है, जो अस्थाई है, परंतु वो शांति जो स्थाई है, और वो संसार की नहीं, वो स्वर्ग की शांति है जो मैं तुमको दिए जाता हूं। वो शांति का राजकुमार है। और जैसे ही आप शांति के राजकुमार के साथ में जैसे ही आप संगति करने लग जाते हो, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, जब आप संगति करने लग जाते हो, तो बाइबल बोलती है तो आप उसके साथ में एक आत्मा हो जाते हो, एक आत्मा हो जाते हो। और जब एक आत्मा आप उसके साथ में हो जाओगे तो क्या होगा मालूम है? यीशु के जीवन में जो शांति है ना, वो शांति आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी, वो शांति आपके हृदय के अंदर में आ जाएगी। भैया, अगर कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है और अगर वो किसी नशा करने वाले के साथ में संगति करेगा ना, तो वो व्यक्ति नशा करना सीख जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर एक व्यक्ति गाली गलौज नहीं करता, लेकिन अगर वो गाली गलौज करने वाले के साथ में अगर वो संगति करेगा, तो वो गाली गलौज करने लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे उसी प्रकार से अगर आप शांति के राजकुमार के साथ में संगति करने लगोगे ना, तो आप उसके जैसे हो जाओगे, जैसे वो पवित्र है, वो शांति में है, वो आनंद में है, वो आशीषित है, वो सफल है, वो संपन्न है, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठते हो और प्रार्थना में बैठ करके दिल खोल कर प्रभु को बोल देते हो कि प्रभु ये विपत्ति है, प्रभु ये संकट है, प्रभु ये दुख है, प्रभु ये प्रभु ये बदनामी है, प्रभु ये बेइज्जती, जब दिल खोल कर आप प्रभु को बोल देते हो ना मेरे प्रियो, तब जानते हो क्या होता है? आपका जो बोझ होता है, आपका जो चिंता होता है, आपका जो दुख होता है, आपकी जो समस्या होती है ना, उसी घड़ी आप प्रभु को दे देते हो, और उसी घड़ी प्रभु आपके बोझ को अपने ऊपर में ले लेता है और अपनी शांति आपके हृदय में डाल देता है। और जब आप प्रार्थना करके उठते हो, थैंक यू फादर, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यीशु मसीह केवल सुनता नहीं है, परंतु सुनकर हमारी समस्या का वो समाधान करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आप हाय हाय कर रहे हो, याद रखो आश्चर्यकर्म नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो मेरे प्रियो, आप अगर वचन में हो तो ही आश्चर्यकर्म होगा, वचन के बाहर कोई आश्चर्यकर्म नहीं होता है।